Hello everyone, on behalf of Team Netmock, I welcome you all to this session. My name is Ankit Chamoli और आप सभी का स्वागत करता हूँ. आज हमारे साथ है सौरभ भालेराव. उन्होंने अभी UPSC 2021 prelims clear किया है. सो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या strategies रही हैं इस exam को tackle करने के लिए और कैसे कैसे उन्होंने exam को attempt किया है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सौरभ, welcome to the session. So I would like you to kindly introduce yourself to our viewers. मेरा नाम सौरभ भालेराव है. आई एम बाई प्रोफेशन इज अ मैकेनिकल इंजीनियर. अभी मैं करंटली नागपुर में रह रहा हूँ और पिछले 4 सालों से UPSC की तैयारी कर रहा हूँ. ओके, तो आपका ये जो 4 सालों का सफर रहा है अभी तक, उसमें हर साल कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है या कैसा रहा है ये सफर? सर, हर बार तो नया कुछ मिलता है सर सीखने के लिए, बट दिस इज माई फर्स्ट, मतलब मेरा फर्स्ट मेंस रहेगा सर. इस बार मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया है. जी जी जी, वो खुशी दिख रही है सर. आई विश यू द वेरी बेस्ट एंड बहुत ही अच्छा है. तो प्रीलिम्स 2021 के बारे में हम अगर डिस्कशन करें सर, तो इसमें पहली जो फर्स्ट ग्लांस पे कैसा लगा आपको ये पेपर? एंड अगर हम इसमें बात करें एक सरप्राइज फैक्टर की, जिसके बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे थे विद रिलेटेड टू UPSC 2021 prelims, सो उसके बारे में प्लीज अपने कुछ राय बताइए. आपको कैसे उस सरप्राइज एलिमेंट को आपने कैसे टैकल किया और कैसे देखा? एक्चुअली सर, मेरा पेपर ही शुरू हुआ था सरप्राइज एलिमेंट से. जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मुझे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आ गए, तो मुझे लगा कि ये क्या आ गया, जनरली UPSC में नहीं होता है. तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अच्छे जा सकते हैं. पर उसके बाद मेरा फिर साइंस एंड टेक से उसके बाद मेरे क्वेश्चन शुरू हो गए. तो फिर मैंने बोला कि अभी तो पेपर बहुत ही टफ लग रहा है. फिर जस्ट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चन तो इजी जा सकते हैं. तो मैंने एक प्रिंस सर ने बोला था कि अगर आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन टफ जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, बोले कि उसको वो 20-30 क्वेश्चन छोड़ दीजिए और डायरेक्ट पीछे से शुरुआत कर दीजिए. तो मैंने वही किया कि मैंने लास्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू कर दिए, तो वो मुझे इजी गए. तो जैसे वो क्वेश्चन इजी गए तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता गया. तो फिर मैंने लगा कि ठीक है, नहीं पेपर ओके है, बट थोड़े इधर उधर के क्वेश्चन है कि जो जनरली पूछते नहीं है, तो मैंने उन क्वेश्चन को लास्ट में रख दिया था सर. और जो मुझे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लग रहे थे वो मैंने पहले अटेम्प्ट कर दिए थे. तो प्रिंस सर का एनेक्डोट आपके काफी काम आया कि हाँ. आप उसको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइए और देखिए पूरा, क्योंकि ओवरऑल पेपर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है. हाँ. So, आपका जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे थे, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? क्योंकि देखिए, जब हम सरप्राइज एलिमेंट को देखते हैं, हम लोग कहते हैं सरप्राइज के लिए प्रिपेयर रहिए. अब लोग कहेंगे सरप्राइज के लिए कैसे प्रिपेयर रहेंगे, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, वो तो उसी समय मिलेगा. बट हम जब सरप्राइज एलिमेंट के लिए प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो इट इज समथिंग लाइक कि अगर आप सी वॉयज पे जा रहे हैं एंड आप अगर स्विमिंग नहीं आती है आपको, तो दैट इज समथिंग कि आप अगर आप ओशन के बीच में अगर आपका जहाज डूब रहा है तो आप स्विमिंग करके किसी कॉन्टिनेंट पे तो नहीं पहुंच सकेंगे, बट एटलीस्ट एक होप रहती है कि यू आर ऑन अ सेफर साइड. सो उसी तरीके से हमें सरप्राइज एलिमेंट को देखना चाहिए. क्या लगता है आपको? सर ठीक है, सरप्राइज तो हर बार होता है सर UPSC में, पर मैंने सर इस बार कुछ चेंज किया. तो कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन थे ना सर, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो मैंने इनको स्ट्रॉन्ग बना लिया था. मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए. सरप्राइज तो आने वाला है, 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि मतलब नहीं अटेम्प्ट हो पाते. तो मैंने वही सोचा कि अपना स्ट्रॉन्ग जो है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए. अगर उसमें 40-45 क्वेश्चन बन जाते हैं तो फिर आगे के कुछ जो क्वेश्चन बचते हैं तो उसमें फिर जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है उसका यूज कर सकते हैं. और उसी यूज से सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. तो मेरा फिर जो सरप्राइज क्वेश्चन थे मैंने तो कुछ तो छोड़ ही देते, मतलब अटेम्प्ट भी नहीं किए. जो बीच में के प्रोबेबिलिटी 50-50 वाले क्वेश्चन थे, तो फिर मैंने उसके हिसाब से प्लान किया था कि मेरे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन का है और जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है उसमें तो 50% तो हो ही जाएंगे. तो इस हिसाब से मैंने सर सरप्राइज को टैकल किया था. जी, तो मतलब आपने एग्जाम को जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे, आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड करके जो आपको इजी लगे वो आपने पहले करे और ऐसे आपने ट्रेंड फॉलो किया, am I right? हाँ सर, मतलब पिछले बार क्या होता था सर कि मतलब मैंने हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया था, कि हिस्ट्री को भी उतना ही टाइम, इकोनॉमिक्स को भी. पर इस बार मैंने किया कि जो मैंने स्ट्रांग होल्ड है मैंने उसमें ज्यादा फोकस किया था, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एनवायरमेंट. मतलब इसमें से जो कुछ आता है तो वो तो मिस होने ही नहीं चाहिए. मतलब इस बार तो 50 क्वेश्चन तो तीन सब्जेक्ट से पूछ लिए थे सर जी. तो मैंने वो स्ट्रॉन्ग बना लिया था, तो बाकी हो जाते थे एडजस्ट. सो आपकी स्ट्रेटजी अगर मैं ओवरऑल बात करूं,
कि आपने करंट अफेयर्स का पोर्शन और जो हम स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं उसको कैसे प्रिपेयर किया? करंट अफेयर सर मैंने नेटमॉक के नेटमॉक अबाउट जो अपना चैनल है उसमें के सर मैंने मंथली मैराथन सेशन किए थे, बस वही किए थे। बाकी अगर कुछ मिस होता है तो फिर एक बार पीटी वगैरह मैंने देख लेते हैं जो टॉपिक कुछ मिस हो गए तो, नहीं तो फिर नेटमॉक के मैराथन सेशन में मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। और उसमें क्या हो जाता सर कि बहुत सारे क्वेश्चन तो सर ने जो एक्सप्लेनेशन किया था उसमें से आए थे, मतलब जो मैपिंग के जो क्वेश्चन वगैरह थे तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ गया था जो सर ने पढ़ाया था, जो मैपिंग का मैराथन सेशन हुआ था उसमें से आ गया था। तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए बस नेटमॉक का मंथली मैराथन सेशन किया था और बस उतने किया था सर। ओके, एंड स्टैटिक पोर्शन की बात करें उसको कैसे आपने स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर किया या कैसे आपने उसको तैयार किया? स्टैटिक को सर स्टैंडर्ड बुक यूज़ किया था, प्लस मैंने नेटमॉक का 200 डेज का प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो उसमें क्या होता है सर कि आपको एमसीक्यू वाइज उस चैप्टर की प्रिपरेशन होती है। तो मैंने जो मेरे कोर सब्जेक्ट है तो मैंने उनके पूरे एमसीक्यू नेटमॉक से सॉल्व किए थे, ताकि मेरे मतलब पहले क्या होता था सर मैं पढ़ तो लेता था पर उसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मुझे पता नहीं चलता था। तो जब वहाँ पे मैंने लॉट्स ऑफ एमसीक्यू जब सॉल्व किए तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होता कि ऐसा पूछ सकते हैं वैसे पूछ सकते हैं, तो फिर उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व किए थे सर। जी, तो मतलब एक जो हैबिट होती है एग्जाम में बैठने की या एग्जाम को सॉल्व करते रहने की वो काफ़ी एसेंशियल हो जाती है, आपको लगता है? हाँ सर, और इस बार मैंने मैंने रिसोर्सेस लिमिटेड रखे थे, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं थे। एक हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है, बस उसे 4-5 बार रिवाइज करना है, बस यही मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। काफी सही रहता है क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार पढ़े वो मल्टीपल रिविजन इज बेटर देन गोइंग टू अ न्यू सोर्स कंप्लीटली डिफरेंट सोर्स। जी जी जी, सो इस बार हमने देखा कि जैसे बहुत सारे लॉट्स ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चंस वर बंडल्ड अप एंड फ्यू पीसीएस लेवल एमसीक्यूज जैसे कि अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। सो यूजुअली यूपीएससी का ट्रेंड अगर हम देखें सन 2000 के बाद से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे एंड दिस वाज वन ऑफ द सरप्राइजेस। सो इसको आपने कैसे देखा, लाइक आपका स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स वाला जैसे आपने बोला इट वाज अ वीकर सेक्शन एंड आपने इसको कैसे टैकल किया? सर एक्चुअली के सर आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो अपार्ट फ्रॉम स्टडी मेरा जनरली इंटरेस्ट रहता था कि मैं कुछ स्पोर्ट्स चल रहा है तो देखूँ, ऐसे जो टेस्ट चैंपियनशिप होते थे मैंने देख लिए थे एक्चुअली, तो वो तो क्वेश्चन ही आ गया था जी, तो जी, जो स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आए थे वो मुझसे मतलब हो चुके थे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली स्पोर्ट्स में था, तो मुझे जनरल आइडिया रहती थी स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है करके, तो उसके हिसाब से मैंने उसको टैकल किया था सर। ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ाई के लिए किया था, वो तो मैंने जनरल मेरा जनरल इंटरेस्ट की वजह से मैंने उसको देखा था तो वो एग्जाम में आ गए तो टैकल हो चुके थे सर मेरे क्वेश्चंस। तो हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी की जो जर्नी होती है उसमें आप लोगों को प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू एक साथ लेके चले तब अच्छा रहता है क्योंकि आपकी साथ साथ हॉबीज भी आप जैसे बता रहे कि दैट वाज अ फैक्टर कि आप उसको एक साथ लेके चले। सो आप कभी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई सोच के ही उसको पढ़ रहे हैं बट आप एज अ जनरल इंटरेस्ट चीजों में आपका आता रहेगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल। हाँ सर, पहले यही होता था कि मैं जब पढ़ाई करता था ना सर कि प्रीलिम्स के करने हैं तो मैं उसी हिसाब से देखता था कि नहीं बस एमसीक्यू करना है, तो फिर मैं बाद में जब एक बार मैंने प्रिंस सर से बात की थी उन्होंने कहा कि बस एक ही डायमेंशन से मत देखो बोले इसको, आप इसे मेंस के हिसाब से भी देखो बोले और इंटरव्यू के क्वेश्चन के हिसाब से भी इस टॉपिक को देखो बोले, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें उस टॉपिक के बारे में बढ़ जाते हैं। अगर फिर उस चीज़ के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन ईजिली टैकल बोले, तो फिर मैंने ऐसा थोड़ा किया था तो इस बार मुझे हो गया हेल्प एग्जाम। जी 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 ठीक ठीक ठीक। तो अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो आपको कैसा लगा पेपर एंड आपका मेंस का कैसे प्रस्पेक्टिव है इसमें? सर ओवरऑल पेपर तो सर टफ था, मतलब कोई भी श्योर नहीं था आफ्टर प्रीलिम्स की हो ही जाएगा करके, जब तक कि रिजल्ट नहीं आया तब तक तो मैं भी श्योर नहीं था कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाउंड्री पर मार्क्स थे तो, बट ठीक है हो गया। और अभी सर मेंस की प्रिपरेशन तो अभी तो 2 ही महीने बाकी है, अभी तो जो पहले पढ़ा था उसका ही रिवाइज करना है बस, कि स्टार्टिंग में ऑप्शनल और एथिक्स कंप्लीट होने के बाद GS2 और GS3 उसको कंप्लीट करूंगा सर। सो आपका अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें मेंस के रिलेटेड तो वो कैसे आपने शुरुआत करी है, कैसा आपका अप्रोच रहा है अभी तक? सर मैंने आंसर राइटिंग ज़्यादा की नहीं है, जब मेरा 200+ का प्रोग्राम 200 डेज का प्रोग्राम था ना सर तो उसमें एक डेली आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन मिलता था तो मैंने बस उतना ही किया है, पर अभी तो मैं फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके उसको और एनहांस करूँगा सर। जी,
मैं चाहूंगा आप कुछ की फैक्टर्स बताइए जिससे आपको लगता है कि एक मेजर रोल प्ले क्या है आपका क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स. सो उसके ऊपर आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि दैट प्लेड सम मेजर रोल इन दिस. सर मेजर रोल मुझे तो पहले लगता है कि सर लास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दिन 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि मिडिल हिस्ट्री से क्वेश्चन भी नहीं आ रहे थे, पर अभी मिडिल हिस्ट्री से और एंशियंट से क्वेश्चन बढ़ गए. मैंने जो पहले टीम दी थी उसमें मिडिल हिस्ट्री मैंने स्कीप ही कर दिया था, उसका अप्लाई नहीं किया था. तो अभी ऐसा लगता है कि जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से चलना चाहिए सर. मतलब छोड़ तो कोई नहीं सकते अपन, कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं कि इसको स्किप कर दे करके. बट जो सर मुझे लगता है कि इस बार प्रीलिम्स होने में मेरा जो मेन फैक्टर है कि मैंने जो मेरे कोर सब्जेक्ट है ना सर, मैंने उसको बहुत अच्छे से किया था ताकि उसमें से कुछ मिस ना हो जाए. बाकी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन तो हर बार आने वाले हैं. जी, तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आपने जी बताइए. एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा सर, जो मैपिंग होता है, मैपिंग बहुत जरूरी है सर. जो मैप के क्वेश्चन हर बार आ रहे, इस बार भी 3 क्वेश्चन आ गए थे. जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं कि सर मैपिंग छोड़ देते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग जो मैपिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. तो इस बार मैंने मैपिंग पे भी अच्छा दिया था. मैपिंग का तो सर ने तो मैराथन सेशन ही लिया था, तो उसमें सारे टॉपिक कवर हो गए थे मेरे. तो वो एक स्मार्ट मूव था और कम, मतलब हार्डली 2-3 घंटे में पूरा मैपिंग मेरा कवर हो गया था. तो मुझे लगता है कि मैपिंग भी थोड़ा सा फोकस देना चाहिए. जी, विजुअली कनेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. अगर हम मैप देख रहे हैं, कोई न्यूज़ हम पढ़ते हैं, किसी कंट्री के बारे में हम देख रहे हैं, मान लीजिए क्यूबा के ऊपर कुछ आ गया, तो उसको एक बार मैप में देख लेते हैं तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है. एंड ओवरऑल जैसे मैंने देखा है, क्या होता है कि मैप को लोग लास्ट के लिए बचा के रखते हैं. इट इज़ समथिंग कि आप उसको साथ साथ लेके चलिए, थोड़ा थोड़ा जो भी कंट्रीज आ रही हैं उनको आप न्यूज़ में कवर करते रहिए, तो दैट हेल्प्स अ लॉट. मैपिंग में एक मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा, पहले मैं मैपिंग करता था, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने मैपिंग की थी, तो मैं क्या करता था कि जो न्यूज़ में है, अगर क्यूबा न्यूज़ में है तो क्यूबा के बारे में पढ़ लेता था. पर प्रिंस सर ने एक बार कहा था कि आप सिर्फ क्यूबा के बारे में मत पढ़िए, बोले उसके जो आजू बाजू में कुछ है, आइलैंड है या कुछ उसमें फिजिकल जो ओशन है या कुछ सी वगैरह है, तो ये चीज़ें भी देखिए बोले. क्योंकि यूपीएससी तो डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, बोले आपको आजू बाजू से भी पूछ सकता है ना. तो मैंने इस बार किया कि जो उसके अराउंड जो है कुछ अगर चल रहा है तो उसको भी मैंने कवर कर लिया था, तो उसका मुझे उसमें मदद हुई मैपिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में. जी जी जी, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा, जो आप करंट अफेयर्स आपने प्रिपेयर किया, आपने कितने साल का इसमें करंट अफेयर्स को आप लेके चले थे और कितना आपने उसको प्रिपेयर कैसे करा? सर मैंने लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स किए थे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता था कि उसके बाद में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाऊंगा. पढ़ तो सकता था पर उसको रिवाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने बस लास्ट 1 ईयर के किए थे और बस उसी को रिवाइज किया था मैंने. जी, तो हाँ वो जरूरी हो जाता है हमें कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखना, कि हम 1 साल का अगर पढ़ रहे हैं तो हम उसको रिवाइज कितनी बार कर पा रहे हैं. मल्टीपल रिविजन जैसे हमने बात करी कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम को एस करने के लिए, सो दैट इज एसेंशियल. तो करंट अफेयर्स आपने फिर उसको मंथली रिवाइज किया या कैसे आपका रहता था, लाइक आप हिंदू पढ़ते थे और कैसे रहता था आपने? सर मैंने एक्चुअली पेपर तो नहीं पढ़ा है, मैंने बस यूट्यूब पे उसके एक्सप्लेनेशन सीरीज देखी है. अभी तो नेटमॉक में भी हिंदू की एक्सप्लेनेशन सीरीज शुरू कर दिए, उसको भी देखता था मैं. और सर की जो डेली MCQ है, मैं डेली MCQ नहीं करता था, मैं उसको मंथली करता था. मतलब मंथ में एक दिन बैठ जाओ, 9 या 10 घंटे का हो जाता था मैराथन सेशन, उसको कर लीजिए. और उसको मैंने सर नोट्स बनाए थे, क्योंकि उसको रिटेन करना भी जरूरी है ना, तो मैंने फिर इसको नोट्स बनाए थे और उसी को रिवाइज किया था. तो नोट्स जब आप बनाते थे तो आप कैसे नोट्स बनाते हैं, मतलब आई मीन टू से कि वो नोट्स काफी लेंदी ना हो जाए, उसको आप कट शॉर्ट कैसे करते हैं? सर एक्चुअली जब आप कुछ देख लेते वीडियो, अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद पहली बार तो नोट्स नहीं बना सकते. सेकेंड टाइम में मैं नोट्स बनाता तो हाईली पॉइंटर में बनाता था, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स के नोट्स थे, मैंने उसको मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया था. तो टॉपिक तो बस पॉइंटर वाइज एक लाइन में, एक मतलब एक टॉपिक एक लाइन में मेरा हो जाता था. तो ऐसे फिर मेरे हार्डली 20-25 पेजेस हो गए थे सर पूरे साल भर के नोट्स. तो मुझे लास्ट में रिवाइज करते टाइम में वो बहुत बेनिफिशियल हो गया कि मैं जल्दी रिवाइज कर सकता. जी जी जी, बहुत बेनिफिशियल हो गया और काफी फास्ट, और जो आप काम कर सकते थे आपने, और उस समय को किसी और पोर्शन में आपने डेडिकेट किया होगा जरूर. जी जी जी, तो सौरभ जी एट द एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जिससे वो अपने एग्जाम्स में अच्छे से कर सके? सर टिप्स तो एक ही, अभी मैं तो नहीं दे सकता, बट
मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सर रिवीजन एक बहुत जरूरी है, मतलब आप कितना भी पढ़ लीजिए उसको आपको लास्ट के जो 2-3 दिन है वहां तक आपके रिवीजन हो, मतलब जब रिवाइज करते हो तो फास्ट रिवीजन होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कुछ टॉपिक इतने मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेते हैं फिर भी लास्ट मोमेंट पे आपको याद नहीं आते क्योंकि वो पहले पढ़े रहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि रिवीजन ही मस्ट है, और अपना जो बुक्स या कुछ रेफरेंस है वो लिमिटेड होने चाहिए सर, मटेरियल तो बहुत सारा अवेलेबल है। अगर एक ही, मतलब मैंने करंट अफेयर्स के लिए सर सिर्फ नेट मॉक यूज़ किया था, तो मैंने फिर वही पकड़ा, ऐसे नहीं कि लास्ट टाइम में कुछ नया आ गया है, 2-3 महीने की नई समरी आ गई है क्योंकि प्रीलिम पोस्टपोन हो चुका था, तो फिर बाकी टॉपिक्स आते हैं ना कि 2 महीने की ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, मैंने बोला नहीं एक ही पढ़ा है तो फिर उसके मैंने रिवाइज किया। बस वही बोलना चाहूंगा कि मल्टीपल टाइम रिवीजन इज मस्ट। जी सो विद दैट थैंक यू सौरभ, आपका बहुत ही अच्छा, आपने इसमें हमें सेशन में बहुत सारी चीजें बताई, आई होप हमारे व्यूअर्स को इससे काफी कुछ जानकारी और कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिली होगी जरूर। एंड आई विश यू ऑन बिहाफ ऑफ टीम नेटमॉक आपका मेन्स और इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाए and you come out with flying colors. So thank you viewers. Up the key revision important jo ho jata hai wo yahan par hai ki revision is a compulsory thing and be ready for surprises. And when I mean by be ready for surprises is that ki kuch na kuch element zarur hoga jo ek surprise ke taur pe aayega. So be prepared for that. Cause those who sweat more in training bleed less in war. And Fortune favors the bold. In journey of UPSC Civil Service examination, NETMOC is bringing you regular test series, current affairs coverage and mentorship. Because ultimately, fortune favors the bold. With this, it's a wrap up on this edition. Take care until next time. Thank you. Thank you, sir.